ग्रैनी बंद करो बंद करो बंद करो आगे ग्रैनी बंद करो बंद करो बंद करो इंसाफ के आगे आगे ग्राइंडर फैक्ट्री बंद करो बंद करो सर बताएं हमें आज जो प्रोटेस्ट एक फिर से जो लोग हैं गलियों से सड़कों पे बाहर आ गए हैं क्या चाहते हैं आज धरने प्रदर्शन का 24वां दिन है हमारी डिमांड ये थी जो हमारे रेजिडेंशियल घरों के पास जो आरके ग्राइंडिंग फैक्ट्री लगाई जा रही है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और यहाँ से इसको बंद किया जाए क्योंकि ये रेड कैटेगरी इंडस्ट्री है जो कि रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लग सकती है ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स कहती है कि 500 मीटर के अंदर अंदर घर नहीं होनी चाहिए लेकिन इस फैक्ट्री के 500 मीटर के अंदर अंदर कम से कम 200 घर आते हैं लेकिन वो फैक्ट्री वाले ये कहते हैं कि आप हमारी ही फैक्ट्री पर पॉइंट आउट क्यों करते हैं मैं ये बताना चाहता हूँ जो बाकी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर है उनका पोल्यूशन हमारे यहाँ तक नहीं आता है इसलिए जो आरके ग्राइंडिंग है ये बिल्कुल ही जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया के पास है इसलिए हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि ये रेड कैटेगरी यूनिट है रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं लग सकता है और ये हवाला देकर वो लोगों के पाँव पकड़ते हैं कि ये जो यूनिट है 7 करोड़ रुपये हमने यहाँ पे खर्च कर दिया है मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका 7 करोड़ अगर इस कॉलोनी की कीमत लगाई जाए तो 100 करोड़ से भी ऊपर जाती है ये फैसला आपको करना है कि 7 करोड़ के साथ जाना है कि या 100 करोड़ देखना है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमें 15 दिन का टाइम दिया था हम आपका जो आपने आश्वासन दिया हम उनका आपके निर्णय का स्वागत करते हैं आपके आश्वासन का स्वागत करते हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर इस फैक्ट्री को डिसमेंटल किया जाएगा और हमारी मांग को पूरा किया जाएगा ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक इस फैक्ट्री को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा धन्यवाद यहाँ पे धरने के लिए एक सब लोग इकट्ठा हुए हैं हमारी एक ही डिमांड है वो है कि ये रेड कैटेगरी यूनिट जो है आरके ग्राइंडिंग यूनिट इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए डीसी साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया था हम लोग अपनी उसी मांग पे अड़े हुए हैं हमें और कोई हमारा कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं है हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है वो है आरके ग्राइंडिंग यूनिट जो अभी इस्टेब्लिश होने जा रहा है हम लोगों को यही मांग है कि इस जो ये जो आरके ग्राइंडिंग यूनिट जो लगने जा रहा है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए यहाँ से डिसमेंटल किया जाए वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ डीसी हम लोग ये चाहते हैं कि डीसी साहब आके अपना ये निर्णय लें और इसको यहाँ से शिफ्ट कराएं हम लोग जब तक ये फैक्ट्री यहाँ से शिफ्ट नहीं होती हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते